भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आकाश सक्सेना के प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही करते हुए निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी 37 रामपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र ने अपने आदेश को आजम खां का नाम वोटर लिस्ट से काटने का आदेश पारित किए। वहीं मोहम्मद आजम खां को रामपुर के MPMLA कोर्ट ने 3 साल का कारावास होने और 2,000 के अर्थदंड की सजा सुनाए जाने के बाद उनकी विधायकी रद्द कर दी गई थी और 37 विधानसभा क्षेत्र रामपुर में उपचुनाव घोषित कर दिए गए थे, जबकि आजम खां ने अपने इस दंड के खिलाफ रोक लगाए जाने की अपील भी की थी जिसको खारिज कर दिया गया था। चुनाव आयोग ने रामपुर उपचुनाव का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वहीं इस बीच भाजपा प्रत्याशी ने आजम खां का नाम वोटर लिस्ट से काटे जाने का प्रार्थना पत्र दिया था जिसमें लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 16 के अंतर्गत चुनावी भ्रष्ट आचरण साबित हो जाने पर वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने के नियम का हवाला देते हुए प्रार्थना पत्र दिया था। वहीं भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने बताया 10 तारीख को रामपुर की जो निचली कोर्ट है उसमें आजम खां को 3 साल की सजा हुई थी आचार संहिता के मामले में, हमने 11 तारीख को शिकायत की थी। RPH की धारा 16 के तहत उनका जो वोट देने का अधिकार है उसे वंचित किया जाए और वोटर लिस्ट से उनका नाम काटा जाए। देखिए 10 तारीख को निचली रामपुर की जो कोर्ट है उसमें आजम खान को 3 साल की सजा हुई थी आचार संहिता के मामले में, हमने 11 तारीख को शिकायत की थी कि RPH की धारा 16 के तहत उनका जो वोट देने का अधिकार है उससे वंचित किया जाए, वोटर लिस्ट में से वो नाम काटा जाए। संभवतः उसी के तहत ये कार्रवाई हुई है। तो हमारा सिर्फ कहना यह है कि जो सजा याफ्ता मुलजिम अगर है तो उसको वोट देने का अधिकार तो नहीं रहना चाहिए। तो इसमें अब आजम खान वोट नहीं डाल पाएंगे, जब वोट वोटर लिस्ट पे नाम ही नहीं है तो वोट देने का अधिकार जब है ही नहीं तो वोट कहाँ से डालेंगे? क्या मानते हैं सत्य की जीत हुई? हमेशा सत्य की ही जीत होती है, चाहे वो न्यायालय में हो या वो जनता में। वहीं भाजपा नेता ने कहा हमेशा सत्य की ही जीत होती है चाहे न्यायालय में हो या वे जनता में हो।